तो हम भिवाड़ी से एग्जाम देने, प्री और मेन दोनों देने आए। आपके बच्चे की पहली रैंक आई है जिसको 51,000 रुपए का नगद पुरस्कार मिलेगा। बहुत धन्यवाद सर, बहुत खुशी हो रही है सर। आप कैसा महसूस कर रहे हो सर? मुझे इतनी खुशी हो रही है, खुशी का ठिकाना नहीं है सर। खुशी का ठिकाना नहीं है, खुशी हो रही है सर, बहुत खुशी हो रही है। बस वो लगन है बच्चे की कि मुझे ईपी का एग्जाम जरूर देना है, क्योंकि सुना था कि ईपी का एग्जाम बहुत अच्छा होता है, तो मुझे ये एग्जाम जरूर देना है मम्मी। स्कूल का मैनेजमेंट, स्कूल की व्यवस्थाएं, स्कूल का एग्जाम का पैटर्न, स्कूल का मुझे बहुत अच्छा लगा। ईपी टैलेंट सर्च एग्जाम के सेकंड फेज का आज रिजल्ट अनाउंसमेंट डे है और मेरे साथ जिन बच्चों की टॉप 10 रैंक आई हैं उनके पेरेंट्स मौजूद हैं। मैम नमस्कार, और अब क्या नाम आपका, और आपके जो बच्चे ने एग्जाम यहाँ पर दिया था उसकी अभी जब जो रिजल्ट में घोषणा हुई है उसकी अंडर 10 रैंक आई है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। आपको ईपी टैलेंट सर्च एग्जाम के बारे में कहाँ से पता लगा था? सर मैं यहाँ किशनगढ़ में जॉब करती हूँ, टीचर हूँ, तो यहाँ हम जो भी एग्ज़ाम होते हैं स्कूल में, कहीं भी कोई से भी स्कूल में, तो ईपी का हमने पहले से भी सुन रखा था कि यहाँ टैलेंट एग्ज़ाम होता है, तो मेरे बच्चे को जब से सुना तभी से ये एग्ज़ाम जरूर दूंगा मम्मी मैं। ईपी वालों के कोई बच्चे पढ़ते हैं उनसे हमने पता करा कि एग्ज़ाम बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, अच्छा उसमें सीखने को मिलता है, तो मेरे बच्चे को मोटिवेशन मिला कि मैं भी ये एग्ज़ाम जरूर दूंगा। तो हम भिवाड़ी से ये एग्ज़ाम देने, प्री और मेन दोनों देने आए। बच्चे की लगन थी, बच्चे को बहुत चाव था कि मैं एग्ज़ाम दूं, कि मुझे पता लगे कि किस स्कूल में किस टाइप के एग्ज़ाम होते हैं, थोड़ा सीखने को मिलता है, बच्चे को प्रोत्साहन मिलता है, और बस बच्चे की लगन थी ये कि मुझे। मैम जिस एग्ज़ाम में हज़ारों विद्यार्थी भाग लेते हैं और उसमें टॉप 10 में आना एक बड़ी बात होती है, तो कैसा कि बच्चा आपका शुरू से इंटेलिजेंट था, कैसी उसकी पढ़ाई के बारे में, जर्नी के बारे में थोड़ा बताएंगे? सर बच्चे की मेहनत, क्या मैं ये मानती हूँ टीचर्स की और बच्चे की दोनों की मेहनत है, हम तो जो जॉब वाले हैं बच्चे को इतना टाइम नहीं दे पाते, बच्चे की मेहनत है और टीचर्स की गाइडेंस या मेहनत कहूँ मैं। और पहले बच्चे ने 7th क्लास तक सनील अकेडमी किशनगढ़ में एजुकेशन ली है, उसके बाद हम किसी परिस्थिति बस भिवाड़ी सेटल हो गए और बच्चे ने RPS धारूहेड़ा से 10th करी अब की बार। लेकिन वहाँ भी उसको जैसे पता लगा कि ईपीएम एग्जाम है, तो बोला मैं ये एग्जाम जरूर दूंगा मम्मी। आपने तो राज्य ही चेंज कर दिया, लोग तो जिला चेंज कर देते हैं, आप तो हरियाणा से सीधा इधर आ गए। बस वो लगन है बच्चे की कि मुझे ईपी का एग्जाम जरूर देना है, क्योंकि सुना था कि ईपी का एग्जाम बहुत अच्छा होता है, तो मुझे ये एग्जाम जरूर देना है मम्मी, तो वो एग्जाम देने आए हम यहाँ। जैसा आपने बताया आप यहाँ एक टीचर हैं, तो ईपी के बारे में आपने कब से सुना था और आपको क्यों लगा कि मुझे मेरे बच्चे को जो एग्ज़ाम है ईपी में दिलाना चाहिए? ईपी का तो सर मैं यहाँ से जॉब कर रही हूँ 2004 से, मैं तभी से सुन रही हूँ कि ईपी स्कूल है खैरथल में बहुत अच्छा है, और एग्ज़ाम का मैंने अब कुछ सालों से सुना है कि एग्ज़ाम बहुत अच्छा होता है, उसमें क्वेश्चन बहुत बच्चे को, मतलब एक बच्चे की तर्क शक्ति, बच्चे की सीखने की बहुत अच्छा, उसमें बच्चे को मोटिवेशन मिलता है, तो इसलिए हमने भी थोड़ा सा बच्चे को बताया, तो बच्चे को काफ़ी लगन हुई कि मैं भी एग्ज़ाम दूँ, इसमें कुछ अच्छा हासिल करूँ, बच्चे को थोड़ा होता भी है, तो ये सोच के हमने फिर एग्ज़ाम के लिए उसके आवेदन किया और एग्ज़ाम दिया। मैम जैसे आप एक महिला हैं और आपने अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए, आप बता रहे हैं कि हमने उसको यहाँ से वहाँ धारूहेड़ा से एग्ज़ाम दिलवाने के लिए लेकर आए, जो पेरेंट्स या आसपास में रहकर भी अपने बच्चों को एग्ज़ाम नहीं दिला पाते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? सर उनको ये मैसेज देना चाहूँगी कि उनको ये एग्ज़ाम ज़रूर दिलाना चाहिए, हमें एक तो अपने बच्चे के लेवल का पता लगता है कि बच्चा इतने बच्चों में किस लेवल पर है, हमें उसके लिए थोड़ा और प्रयास करना है, बच्चा किस लेवल पर चल रहा है, और बच्चे को तरह तरह के एग्ज़ाम से कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलता है, और जब बच्चे की रैंक आती है तो बच्चा बहुत खुश होता है, उसके लिए बच्चा मोटिवेट होता है, तो उसके लिए बच्चा आगे बढ़ने की और कोशिश करता है, और जब बच्चों में आपस में जब ऐसे जब रैंक की जब वो हो जाती है तो बच्चा उसके लिए बहुत मेहनत भी करता है, और बच्चे को एक प्रोत्साहन मिलता है, तो बच्चा बहुत आगे बढ़ता है और बच्चे को और लगन होती है कि और कुछ सीखूँ। तो मैम इंटरव्यू की घड़ी में ये आपका अंतिम सवाल है मेरा आपसे, और जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि मैंने आपको शुरुआती दौर में बताया था कि आपकी अंडर 10 रैंक आई है, अब वो कौन सी रैंक आई है, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आपके बच्चे की पहली रैंक आई है जिसको 51,000 रुपए का नगद पुरस्कार मिलेगा। बहुत धन्यवाद सर, बहुत खुशी हो रही है सर। आप कैसा महसूस कर रहे हो? सर मुझे इतनी खुशी हो रही है, खुशी का ठिकाना नहीं है सर। खुशी का ठिकाना नहीं है, खुशी हो रही है सर, बहुत खुशी हो रही है जी। उसका 51,000 रुपए का उसको नगद पुरस्कार मिलेगा जी सर, बहुत खुशी हो रही है सर। सर मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती खुशी को, मुझे इतनी खुशी हो रही है और मुझसे ज्यादा मेरे बच्चे को तो इतनी खुशी होगी कि बस पूछो मत। हाँ जी, बहुत बहुत खुशी हुई सर। आपके बच्चे का नाम क्या है? मेरे बच्चे का नाम हर्षित यादव है सर। हर्षित यादव की ईपी में जहां हजारों बच्चे एग्जाम देते हैं उसके 51,000 रुपए का कैश प्राइज वो प्राप्त कर रहा है। निश्चित तौर पर उसने बहुत अच्छी मेहनत की है, बहुत अच्छी उसकी एजुकेशन, इंटेलिजेंट बच्चा होगा। तो अभी आपका जब बच्चा यहाँ प्राइज लेने के लिए आएगा तब हम उनसे भी बात करेंगे कि उसकी कैसी परवरिश, कैसा एग्जाम पैटर्न रहा। आप कोई भी एक मैसेज जो बच्चों को और पेरेंट्स को देना चाहें।
मैं बच्चों को और बच्चों के पेरेंट्स को ये मैसेज देना चाहूँगी कि हमें बच्चों को जो ईपी टैलेंट का जो एग्ज़ाम हुआ था, इस तरह के एग्ज़ाम दिलाने चाहिए। इससे बच्चे को, मेरे बच्चे ने और भी ऐसे एक दो जगह दिए हैं, तो उससे उसको कुछ सीखने को मिला है और इससे बच्चे में सीखने की, आगे बढ़ने की, और अपने साथ वाले बच्चों में अपना लेवल या ज़्यादा बच्चों में हमारा लेवल कहाँ है वो थोड़ा हमें इसका मालूम पड़ता है। तो उस हिसाब से हम अपना आगे हमें कैसे क्या थोड़ा सुधार, किस चीज़ में कमी है, हमें अपनी कमी भी महसूस मतलब पकड़ में आती है और हमें अपना आगे बढ़ने के लिए बहुत एक प्रोत्साहन भी मिलता है और हमारी कमी भी पकड़ में आती है। तो हमें ये एग्ज़ाम ज़रूर दिलाना चाहिए बच्चे को। जो पेरेंट्स या बच्चे ये एग्ज़ाम नहीं दे रहे, दिला रहे, नहीं दे रहे, उनसे मेरा ये निवेदन है कि हर साल जो ये एग्ज़ाम होता है, और ऐसा एग्ज़ाम मैंने हर स्कूल में नहीं देखा कि एक इतनी अच्छी प्राइज़ के साथ और बच्चे का इतना अच्छा मतलब एग्जाम होता है, इसमें बच्चे को इतना अच्छा सीखने को मिलता है, तरह तरह के सवाल घुमा फिरा के बच्चा कैसे क्या टैकल कर पाता है। तो बच्चे की इसमें चिंतन शक्ति, बच्चे का एक मतलब कौशल निखर के आता है और बच्चे को कुछ सीखने का और आगे बढ़ने का मौका मिलता है। ये एग्जाम जो पेरेंट्स ये सोचते हैं कि बच्चे को, बाहर के बच्चों को प्राइज नहीं दिए जाते हैं, ऐसा भ्रम आपके मन में कई सवाल होते होंगे, तो ये बच्चा मैं आपको बता दूं, इनकी माता जी मेरे साथ हैं, अभी धारोड़ा आरबीएस धारोड़ा में पढ़ रहा था और उसकी पहली रैंक आई है यहाँ एग्जाम में, उसको नगद 51,000 रुपये का पुरस्कार यहाँ से दिया जाएगा। अभी फ्यूचर में आपके बच्चे के क्या प्लान है? सर, बच्चा मेरा जेई के लिए कह रहा है, बाकी हम वापस किशनगढ़ आने की सोच रहे हैं अब की बार। बिल्कुल, हाँ, किशनगढ़ आए तो हम ईपी में उसको एडमिशन दिलाएंगे और स्कूल का मैनेजमेंट, स्कूल की व्यवस्थाएँ, स्कूल का एग्ज़ाम का पैटर्न, स्कूल का मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।